अगर आप सितंबर 24 एग्जाम्स देने वाले होते और आपके पास में हाथ में होता केवल 30 डेज, तो आप इस 30 डेज को कैसे प्लान करते हैं? एंड टेल मी योर सीक्रेट स्ट्रेटजीज जो हमारे लर्नर्स ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, भैया पेन कॉपी निकाल लेना, नोट कर सकते हैं, ताकि वो भी 300+ का ये बेहतरीन सपना को पूरा कर सके। तो मतलब बेसिकली यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आल्सो, आरटीपीस एमटीपीस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू लिस्ट आउट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको लगता है कि हर जन को करने चाहिए, इफ यू आर एनी फॉर पास्टी, बट इनसे 300 भी आ जाएगा हमारा, या अब गिव अप कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास में इतना कम समय था, तो आपने क्या सोचा था, क्या आपका माइंडसेट था? आप लिख के करते थे, बोल के करते थे, कैसे पढ़ते थे? आपने टेस्ट कितने दिए थे? टेस्ट मैंने सर 10-15 टेस्ट दिए थे। 10-15 टेस्ट उन्होंने दिया था। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्यों? जैसे बहुत जन क्या करते हैं ना, लेक्चर्स करते हैं और फिर वो क्वेश्चंस उतना देखते नहीं है या फिर टेस्ट नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये गेम चेंजर है? सितंबर 24 स्टूडेंट्स की एक ही क्वेरी है, 30 डेज बचे हुए हैं, और इस 30 डेज में हम ऐसी कैसी प्रिपरेशन करें कि हम एक तो बहुत जोरदार मार्क्स लेकर आए और अगर हो सके तो 300+ भी लेकर आ जाए। आई एम प्रिटी श्योर कि सारे के सारे एडुकेटर्स की तरफ से आपको 30 डेज स्ट्रेटेजी तो मिल गई होगी, बट लेट्स टॉक विद समबडी हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड इट, हु हैज एक्चुअली स्कोर्ड 300+ इन जून 24 एग्जाम्स। वी हैव विद अस सिद्धि, हु हैज स्कोर्ड 303 इन द जून 24 एग्जाम्स। सो सिद्धि, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अगेन। एंड सिद्धि, आपके लिए मेरा एक सवाल है, अगर आप सितंबर 24 एग्जाम्स देने वाले होते और आपके पास में हाथ में होता केवल 30 डेज, तो आप इस 30 डेज को कैसे प्लान करते हैं? एंड टेल मी योर सीक्रेट स्ट्रेटजीज जो हमारे लर्नर्स ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, भैया पेन कॉपी निकाल लेना, नोट कर सकते हैं, ताकि वो भी 300+ का ये बेहतरीन सपना को पूरा कर सके। Like, sir, if, मेरे पास 30 डेज होते तो मैं इन 30 डेज को टू टाइम में डिवाइड करती, लाइक इन 20 डेज आई विल डू revision of important chapters, like in accounts I will focus on partnership, company accounts and final accounts, and in business law I will focus on Indian Contract Act, Sales of Goods Act, Companies Act and Indian Partnership Act, and next I will focus on mathematics for finance, which has come for 14-15 marks, and definitely statistics, which has come for 40 marks, and logical reasoning, which has come for 20 marks. And last and least, it's business economics. And in business economics, I will more focus on macroeconomics. So that's all. See, because macroeconomics naya topic. Yeah, and in last 10 days, I will do RTPs and MTPs of last previous 8 attempts. So आपने actually में previous 8 attempts के RTPs MTPs solve किए थे? Yes, sir. And आपने question writing practice भी किया? Yeah, and a special mention, like in mathematics, you all have to do a scanner, so it's a mixture of PYQ, RTPs and MTPs, so it's best. तो मतलब basically you require a lot of practice also. Yeah. RTPs, MTPs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and you list out the important chapters जो कि आपको लगता है कि हर जन को करने चाहिए, if you are aiming at least for passing. But इनसे 300 भी आ जाएगा हमारा? Yeah, definitely. Okay. If you go for practicing. I think थोड़ा बिलीफ सिस्टम भी रहना चाहिए आपके अंदर दैट यू वांट टू स्कोर, एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो सिद्धि, मेरे को ये बताओ आप कि जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, व्हाट वाज योर माइंडसेट? क्योंकि आपके यहाँ बच्चे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जो सोचते हैं कि यार अब गिव अप कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास में इतना कम समय था, तो आपने क्या सोचा था, क्या आपका माइंडसेट था? आप लिख के करते थे, बोल के करते थे, कैसे पढ़ते थे आप? या लाइक आई ऑलवेज विद कोप अप विद द स्प्रेड कि मुझे 300+ तो मार्क्स लाना ही है। सो आई डिवाइड माय टाइम, लाइक फर्स्ट आई कंप्लीट ऑल माय क्लासेस, देन आई विल डिवाइड फॉर अ टाइम फॉर अ रिवीजन, देन इन लास्ट टेस्ट सीरीज। सो दैट्स ऑल आई कैन आई विल डू। तो आंसर्स लिख के पढ़ते थे या बोल के? राइटिंग प्रैक्टिस ऑलवेज। और लॉ मन मन में लिख लिख के? नो, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट फॉर अ लॉ। Writing practices must for law is what our topper Siddhi is telling, who has scored outstanding in her June 24 exam. So Siddhi, आगे का क्या plan है आपका? Intermediate का क्या plan है? बस सर, अब इंडियन इंटरमीडिएट में भी रैंक लानी है, लाइक फाउंडेशन मैंने तो अच्छा करा है, तो इंटरमीडिएट में भी अच्छा प्लान है। वी रियली होप कि इंटरमीडिएट लेवल पे भी सिद्धि स्कोर्स वेरी वेल। तो जस्ट समराइज, आपको लिख के करना है, RTPs, MTPs करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सिद्धि ने बोल दिया है उनको तो एटलीस्ट करना है। ऐसा नहीं कि शी इज टेलिंग नॉट टू डू दी अदर चैप्टर्स, बट शी इज एटलीस्ट टेलिंग यू कि अगर आपके पास वक्त थोड़ा कम भी है तो आप एटलीस्ट इन चैप्टर्स पे तो जरूर फोकस करें। आई थिंक दैट इज द थिंग। एंड टेस्ट का क्या खेला है?
टेस्ट का। आपने टेस्ट कितने दिए थे? टेस्ट मैंने सर 10-15 टेस्ट दिए थे। 10-15 टेस्ट उन्होंने दिया था। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्यों, जैसे बहुत जन क्या करते हैं ना, लेक्चर्स करते हैं और फिर वो क्वेश्चंस उतना देखते नहीं है या फिर टेस्ट नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये गेम चेंजर है टेस्ट देना? या ऑफ कोर्स, लाइक बच्चों को लगता है कि हम ये कर लेंगे, उन्हें अपनी वीकनेस नहीं पता होती है। टेस्ट देने के बाद उन्हें अपनी वीकनेस पता चलती है, देन दे फोकस ऑन देयर वीकनेस सो दैट दे कैन ओवरकम दिस। और एक लास्ट फॉर अस, 1.5 डेज का क्या स्ट्रेटजी था जो आपके एग्जाम्स के पहले की थी, और आपके एग्जाम्स देने के टाइम में आपके कैसे इमोशंस थे, व्हाट वाज योर फीलिंग एंड हाउ शुड one prepare at that time? Yeah, in this 1.5 time मतलब emotional भी थी और ज़्यादा stressed out भी थी, like, but फिर भी मैंने motivation ली and अपने आप को overcome किया, then in 1.5 days I will read only module, conceptual understanding अच्छे से रखी अपनी and writing practice भी करी थी थोड़ी बहुत last में, so it's same. Great. So this was Siddhi with us. I hope कि ये video आपको काफी काम आएगा. And I really hope that you do amazingly well in your CA intermediate examination. Best of luck, Siddhi. Thank you for taking out time for us. And yes, so aap bhi kariye apne exams ko par, kyunki hum sab hai aapke saath. So this is your Shashank Bhaiya signing off. Take care, everybody. And ab ki baar aapko karna hai September ko par.